दोस्तों स्वागत है हमारे सिक्किम ट्रिप के दूसरे पार्ट में। आज हम जा रहे हैं कुछ बेहद खास जगहों की सैर पर। सबसे पहले हम पहुंचेंगे नाथुला पास, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, जहां की ऊंचाई और नज़ारे आपको हैरान कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे बाबा हरभजन सिंह मंदिर, जो अपनी आस्था और अद्भुत कहानियों के लिए मशहूर है, और दिन का अंत करेंगे खूबसूरत चांगू लेक पर, जिसकी क्रिस्टल क्लियर पानी और चारों ओर पहाड़ों की नज़ारा सच में दिल जीत लेगा। तो तैयार हो जाइए इस एडवेंचर, हिस्ट्री और मेस्मराइजिंग व्यूज से भरे दिन के लिए। सुबह का टाइम है और सिक्किम में टूरिज्म का अभी पीक सीजन चल रहा है, तो हर तरफ टूरिस्ट की भीड़ लगी है। हमने ईस्ट सिक्किम साइड एक्सप्लोर करने का प्लान किया है। आज हैवी रश है, इसलिए जल्दी होटल से निकले, चाय और बॉयल एग्स के साथ एनर्जी लेकर अपना डे टू शुरू किया। पीक सीज़न हो और हम ट्रैफिक जाम में ना फंसे, ऐसा हो सकता है। हम फंसे तो फंसे, ऐसे फंसे कि हम निकल ही ना पाए। जो सफ़र हमें 3 घंटे में पूरा करना था, उस सफ़र को पूरा करने में हमें पूरे 5 घंटे लग गए। लेकिन हमारे ड्राइवर भाई ने हमारी जर्नी को पूरा एंटरटेनमेंट से भर दिया। पूरे रास्ते वो गाने गा रहे थे और जोक्स मार रहे थे। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। फाइनली हम पहुंच गए नाथुला पास। इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थित ये पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम अलग ही वाइब देता है। ये पास 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद कई सालों तक बंद था, लेकिन 2006 में इसे फिर से टूरिज्म और ट्रेड के लिए खोला गया। आप देख सकते हैं आज यहाँ काफी टूरिस्ट आए हुए हैं, सब इस जगह के हिस्टोरिकल और एडवेंचरस फील का मजा ले रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा है, जहां से सदियों पहले ट्रेडर्स गुड्स एक्सचेंज करते थे। इंडियन आर्मी को यहां देखकर सीरियसली प्राउड फील होता है। इतनी टफ कंडीशंस में भी वो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उनकी डेडिकेशन और ब्रेवरी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सल्यूट टू आवर सोल्जर्स। हमारी जर्नी का अगला स्टॉप है एक ऐसी जगह जो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि एक सोल्जर की इंस्पायरिंग स्टोरी से भी जुड़ी है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी काफी इंस्पायरिंग और मिस्टीरियस है। वो भारतीय सेना में एक सोल्जर थे जो 1968 में नाथुला पास के पास एक एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि उनकी स्पिरिट आज भी यहाँ मौजूद है और सोल्जर्स की रक्षा करती है। मंदिर के आसपास के लोग और सेना के जवान बिलीव करते हैं कि बाबा की आत्मा बॉर्डर पर तैनात सोल्जर्स को खतरे से पहले आगाह करती है। उनकी याद में यहाँ एक श्राइन बनाई गई है जिसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर कहा जाता है। हर साल हजारों लोग यहां आकर उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। यहां बाबा का एक ऑफिस और लिविंग रूम भी है, जहां उनकी वर्दी और सामान रखे जाते हैं, जैसे कि वो अब भी ड्यूटी पर हो। मंदिर के पास एक जगह पर स्पिरिचुअल वाटर भी कलेक्ट किया जाता है, जो लोग हीलिंग और ब्लेसिंग्स के लिए साथ ले जाते हैं। यहाँ आने वाले हर किसी को एक अलग पॉजिटिविटी और एनर्जी फील होती है। माउंटेन में आकर अगर आपने मैगी ना खाई तो क्या खाक ट्रिप की। भाई हमने तो जम के मैगी खाई और पहुंच गए अपने नेक्स्ट स्टॉप चांगू लेक। चांगू लेक एक ग्लेशियर लेक है और इसे लोकल्स सोमगो लेक भी कहते हैं। सर्दियों में ये लेक पूरी तरह से जम जाती है और ये सिक्किम के सबसे सेक्रेट लेक्स में से एक है।
लेक के पास हमने याक्स देखे। यहाँ आप सिर्फ 100 रुपए में याक पर बैठकर फोटो क्लिक करवा सकते हैं। वैसे मैंने नहीं किया, सोचा कहीं याक बेचारा मेरे वेट से ना कोलैप्स हो जाए। बट सीरियसली, याक राइड्स यहाँ का मज़ेदार पार्ट है, और अगर एडवेंचर में थोड़ा फन ऐड करना है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेक के पास शिवजी का मंदिर है, जहाँ हमने महादेव जी के दर्शन किए और वहाँ की शांति को महसूस किया। कुछ देर वहाँ स्पेंड करके हम वापस अपने रूम लौट आए। इसी के साथ हमारी सिक्किम ट्रिप का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। ये ट्रिप सच में यादगार रही। इतने सारे न्यू एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स मिले, इतनी सारी अमेजिंग जगहें देखने को मिली, मोनेस्ट्रीज की स्पिरिचुअलिटी से लेकर लेक की खूबसूरती तक, हर मोमेंट मेमोरेबल था। पहाड़ों ने फिर से दिल जीत लिया और ये ट्रिप हमेशा यादों में रहेगा। सिक्किम, वी विल बैक सून।